इस वक्त धनबाद झरिया के वार्ड 43 में हूँ। यहाँ मेरे पीछे जो है ये वार्ड 43 का पार्षद का आवास है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला धनबाद जिला प्रशासन भी काफ़ी सख्त हो गई है। जिला पुलिस बल के साथ झरिया CI अभी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वार्ड 43 में पहुँचे हुए। आप देख रहे हैं कि नगर निगम के कर्मी और अधिकारी पुलिस बल की निगरानी में अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। बनियाहिर है, झरिया का बनियाहिर है। यहाँ सरकारी झारखंड जो इंक्रोच पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। सभी नोटिस करके जो आदेश होता है मुकम्मल तरीके से और इनको सुनवाई का मौका दिया गया, उसके बावजूद इसमें अंतिम आदेश पारित हुआ धारा 3 धारा 6। उसके बाद आगे की कार्रवाई करके फिर पुलिस बल मंगा करके दंडाधिकारी नियुक्त करके हम लोग अतिक्रमण मुक्त का कार्यक्रम आज कर रहे हैं। ये सर जो भी मतलब सरकारी जमीन है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जो आदेश पारित हुआ उसके उसे लेकर। सर और यहाँ क्या की जाएगी? जो आपने बताया कि जो कर्मी वगैरह है ये सब भी चार्ज जो अतिक्रमण किया हुआ था उस पर जोड़ा जाएगा, क्या क्या है वो एक्ट में है, एक्ट के अनुसार जो भी होगा वो करेंगे, वो अभिलेख में कार्रवाई होगा आगे। हमारे साथ झरिया इंस्पेक्टर है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो पुलिस बल लेकर के आए हुए हैं, क्या मामला था पूरा, सर क्या कहेंगे? अतिक्रमण मुक्त करवाने में पुलिस बल के सहयोग की आवश्यकता होती है कि विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं हो। विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। सर कौन सा जगह पर अतिक्रमण? बनियाहिर वार्ड 43 में, इसको क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी वेंडिंग जोन के बगल का जगह है। तो ये किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया था सर? यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद हैं, आशा बेगम खत्म कह रहे हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है। सर और भी जो सरकारी जगह है क्या उसे मुक्त कराया ये तो अंचल कार्यालय बताएंगे इसके बारे में। सर इंस्पेक्टर थे, इन्होंने कहा कि जो यहाँ के पार्षद आयशा खातून है उसके द्वारा ये अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज आदेश के बाद पुलिस बल लेकर के यहाँ पर आ करके और अतिक्रमण मुक्त कराया गया ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था पर दिक्कत ना हो। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।